Next, so we will start with questions today. Example 5.8. What will be the change in potential energy of a body of mass m when it is raised from height re above the surface of Earth to pi by 2 re above the Earth's surface? Re is radius of Earth and m is mass of Earth respectively. So according to the question, what they are telling you is you have a situation in which आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है. सो यू हैव अ बॉडी ऑफ मास m. ये जो बॉडी है इट वॉज इनिशियली इट वॉज एट अ हाइट ऑफ re मेजर फ्रॉम सरफेस. तो याद रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर. तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट मास m, ये डिस्टेंस आपको पता है दिस इज आर ई और ये है h, बट h1 इटसेल्फ आर ई. तो गिवन में सैटेलाइट या बॉडी जो भी होगा जिसका मास m है, इसका इनिशियल हाइट इज नथिंग बट आर ई. तो इनिशियल सेपरेशन कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से, विल बी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट वन. लेकिन यहां पे हाइट भी रेडियस ऑफ अर्थ जितना ही है, मतलब आर वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ई. ओके, आगे आपको बोला है दैट यू आर टेकिंग दिस मास टू अ न्यू हाइट एंड दैट न्यू हाइट इज पाई बाय 2 आर ई. और ये जो न्यू हाइट है वो हाइट जब भी बोलोगे तो अर्थ के सरफेस से होता है. तो ऑफ कोर्स यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर ई और ये होगा एच टू और एच टू इज फाइव बाई टू पॉइंट फाइव. मतलब एच टू इज 5/2 आर ई विच इज नथिंग बट 2.5 आर ई. तो सेकेंड केस में, मतलब जब मास को आप न्यू हाइट पे लेके गए, तो सेपरेशन बिकम्स अगेन आर ई प्लस एच टू. आर ई प्लस एच टू इज 2.5 टाइम्स ऑफ आर ई. तो ये आपको मिल जाएगा 3.5 टाइम्स ऑफ आर ई. तो यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सेपरेशन ऑफ द मास फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इन फर्स्ट केस एंड इन सेकेंड केस. इतना आपको दिया है. आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. आपको फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू. अब इस पॉइंट के आगे देयर आर टू वेज आउट, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. एक, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट सॉल्व होगा. नहीं पता है तो फिर पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. डायरेक्ट पता होता तो बेटर था, नहीं पता तो कोई बात नहीं. तो आप बोलोगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर वन. और फाइनल कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर टू. तो चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो दिस विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर टू माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर वन. गुड, देन इसमें से जी कैपिटल एम स्मॉल एम आप निकालोगे कॉमन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम टेकन टू बी कॉमन, ये आ जाएगा माइनस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर वन. तो जो प्लस है उसको पहले लिख लेता हूं, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू. इमेजिन कि अगर आपको ये पता होता तो ये सारे स्टेप्स आपको नहीं करने पड़ते. इफ यू रिमेंबर, हमने ये क्लास में डिराइव किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. सो एनीवेज, सॉल्यूशन इज सिंपल. आपको सिर्फ यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन बाय आर वन, वन बाय आर वन कितना था, टू आर ई.
और ये है आपके पास 3.5 आर ई. ओके, तो यू विल हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई 1/2. और ये 7/2 करेक्ट. या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आपको 7/2 लिखो, बट आई वुड प्रिफर टू क्रॉस मल्टीप्लाई. 3.5 माइनस 2 1.5 अपॉन 7 राइट. तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी जी की वैल्यू एम की वैल्यू कुछ नहीं बताया है, मतलब आपको नंबर नहीं चाहिए आंसर. यू वांट टू हैव फॉर्मूला, न्यूमेरिक आंसर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा बताया नहीं, व्हाट इज मास बताया क्या नहीं. तो दिस इज 3/2, 1.5 इज 3/2, नीचे 2 आ गया तो 14 हो गया, तो 3/14 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर. ये आ गया आपका इंक्रीज या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.9, शो दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट. इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज मतलब आर प्लस एच यू कैन टेक इक्वल टू आर. तो आपको शो करना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज 2r अंडर रूट ऑफ जी पाई रो बाय 3. तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट बाय सेइंग वी नो दैट, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. इफ यू रिमेम्बर क्रिटिकल वेलोसिटी हमने डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल r, लेकिन स्मॉल r की जगह पर डायरेक्टली कैपिटल r, बिकॉज वेरी क्लोज ये वर्ड यूज किया है, दैट इज वाई. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी चाहिए तो वेरी सिंपल, इफ यू रिमेम्बर मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन आर आ जाएगा. देन व्हाट यू हैव इज बीसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी. वॉल्यूम आप ले सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब बाय अज्यूमिंग दैट द प्लैनेट इज अ स्फीयर राइट. और नीचे आर है, नीचे आर है और यहाँ पे रो है. अब ये आर क्यूब बाय आर, आर स्क्वायर और रूट के बाहर आके आर, 4 का रूट 2. इसके एक्सेप्ट फॉर दिस क्या बचा, हम जी पाई रो और नीचे आर की 3. तो यही तो बोला है जी पाई रो बाय 3 रूट के अंदर और बाहर 2r. तो हो गया, we wanted to show this and done. Next question, example 5.9, calculate the period of revolution of a polar satellite orbiting close to the surface of earth. So the thing is, pichla bhi 5.9 tha, ye bhi 5.9 hai, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है. अगला 5.10 है, तो मुझे ये नहीं पता ये 5. व्हाट है. ओके, तो दिस इज 5. क्वेश्चन मार्क. तो आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज जस्ट अ क्वेश्चन दैट वी वांट टू सॉल्व. सो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ पोलर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो आपको गिवन डेटा में यू हैव बीन गिवन रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर. तो 6400 किलोमीटर मतलब 6400 और किलोमीटर का 3 10 पावर 3 मतलब 10 पावर 5 मीटर. और जी की वैल्यू 9.8 दी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट पीरियड, टाइम पीरियड टी. एंड यू मस्ट रिमेम्बर हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड बताया ना. यस, तो इफ यू रिमेम्बर For a satellite orbiting very close ये वर्ड यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 2 pi अंडर रूट ऑफ आर बाय जी. ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज. तो ये स्पेशल केस है जिसमें वेरी क्लोज यू विल हैव टू यूज दिस ओनली व्हेन इट इज वेरी क्लोज, नहीं तो फिर आर प्लस एच और नीचे जी एच.
fine. So then what you can do here is simple thing, t equal to 2 pi under root of 64 into 10 power 5. 10 power 5 को मैं 10 power 4 into 10 लिख देता हूँ intentionally, और नीचे 9.8. Why? Because of course you see ये 2 pi है, 64 का root 8 है, 10 power 4 का 10 square है, और ये root of 10 है, और 9.8 का root होता है pi. याद है? नहीं याद है? पाई स्क्वायर को आप जब 9.85 लिख सकते हो, पाई स्क्वायर को आप लोग 9.85 लिखते हो, पाई स्क्वायर को 9.85 लिख सकते हो, तो 9.8 का स्क्वायर रूट को पाई क्यों लिख सकते फिर? सेम, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट, लॉग टेबल में चेक कर लेना, 9.8 या 3.14 के आसपास आएगा. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 3.14, नियरली इक्वल टू. तो ठीक है, हमारा काम आसान हो गया, कैंसल है कैंसल. राइट, अब 16 और ये 100, ओके, तो 16 और ये 100 और रूट ऑफ 10 इज 3.16. रूट ऑफ 10 3.16, अभी तो बताया 9.85 3.14 होता है, 9.85 का रूट कितना होता है 3.14, तो 10 का कितना आएगा? उतना ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे याद है, मैंने लिख दिया 3.16, दिस 3.16. गुड, तो अब ये और ये एडजस्ट हो गया, 16 इंटू 3.16. टाइम पीरियड कैलकुलेट करते वक्त आपने आर लिखा मीटर में, जी लिखा मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर में तो ये आएगा सेकेंड में, फाइन. लेकिन आपको याद होगा कि टाइम पीरियड ऑफ पोलार सैटेलाइट ये मिनट्स में लिखते हैं हम लोग. फिर रिमेम्बर, अगर आपके पास कम्युनिकेशन मतलब इक्वेटोरियल सैटेलाइट होता तो 24 आवर्स, लेकिन ये पोलार है तो कितना, 85 मिनट्स. तो ये तो सेकंड में है, तो मिनट्स में लाने के लिए डिवाइड बाय 60, राइट, गुड, 60 ये आ गया मिनट में. अब व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू सॉल्व दिस? एक काम करो, जरूरी नहीं है आपको हर बार यू हैव टू फाइंड परफेक्ट फैक्टर्स. ठीक है, जितना आ रहा है उतना तो करो, 30 और ये 8, 4 और ये 15, करेक्ट. आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 81 एग्जैक्टली, टोटल 81. हाँ यस, टोटल 84 आएगा, ये आएगा 15 वन जा 15 20 वन जा 21 into 4, तो 84. तो मैं डायरेक्टली 84 लिखने चला था वहां पे, 84 मिनट, राइट, 21 into 4 कितना, 84, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कितना है, 85, तो हमारा क्या आया, 84, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है. अगर आपको लिखना हो तो लिख देना एग्जैक्ट आंसर, मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने हैं, 85 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर यू हैव एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट बता दिया मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, ओके, क्लोज टू इट्स सरफेस, मतलब क्लोज टू इट्स सरफेस, फाइन. ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस. तो अभी इधर यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू नो, हमने ऑलरेडी टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करके रखा है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन से, वी नो दैट व्हाट यू नो इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r, डायरेक्टली कैपिटल r बिकॉज इट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज. देन इक्वेशन नंबर वन, ऑल्सो यू नो, वॉट यू नो इज वेलोसिटी मतलब स्पीड बेसिकली इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये स्पीड है, मैं लिख वेलोसिटी रहा हूं लेकिन ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और आपको पता है, इफ यू रिमेंबर,
इफ यू रिमेंबर, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर होता है? 2πr, 2π कैपिटल आर. वाई कैपिटल आर? बिकॉज वेरी क्लोज है इसके लिए. वेरी गुड. अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि एक राउंड में टाइम पीरियड लगता है उसको. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, तो आई वुड हैव स्किप्ड इट, बट एनीवेज आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. सो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल हैव 2πr by capital T equal to under root of gm by r. Correct? हमको चाहिए था T, तो T को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो T इसको यहां ले आएंगे, under root of r by gm. Right? और ये और yes, 2πr, भूलना मत इसको, इसको भूले तो गए. Good. Then आपको क्वेश्चन में बोला है derive obtain formula for period in terms of density. Density है क्या यहाँ पे? नहीं है. तो density लाने के लिए क्या करते हो? Mass को लिखते हो volume into density. तो under root of r upon g volume into density. और भार था 2πr. तो time period equal to under root of r g. Volume is 4/3 pi r cube rho. और यहाँ पे 2πr, राइट? ये एक आर गया, ये जो 2π है, 2πr है, इसको पहले लिख लेता हूँ. नीचे से ये 4 का रूट 2, एक आर गया, तो आर स्क्वायर बाहर आके आर, फाइन. अंदर बचेगा ऊपर का आर तो गया, लेकिन ये 3 उस नीचे से ऊपर, राइट? नीचे का ये गया, ये गया, जी बचा, पाई बचा और रो बच गया. कैंसल एंड कैंसल कैंसल. तो ये आपको मिल गया टाइम पीरियड टी. अब इसको मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा तो पाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3 पाई स्क्वायर अपॉन जी पाई रो, एक पाई ये भी कैंसल. तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3π बाय जी रो है जी, ये 4 नहीं है, ये जी है जी. ओके, तो दिस इज what you get. They have asked you to find out in terms of radius, but it is independent of radius. So that's what you get. Next question. So next question, what you have is, okay. So in the next question, what we have is, just a minute. So next question, so this is a very good question in which you will learn कि एक calculation से बाकी के 3 automatically कैसे होते हैं, provided your observations are strong. So calculate the kinetic energy, potential energy, total energy, binding energy of an artificial satellite of mass 2000 kg. Okay, so at a height of 3600 kilometers, fine. बाकी का भी data दिया है. आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, 6.6 × 10⁻¹¹, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, साथ में मास ऑफ सैटेलाइट भी दिया है. तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, मतलब गिवन डेटा पूरा का पूरा यहां पे हो जाएगा. ऊपर से हाइट भी दिया है आपको 3600 किलोमीटर. तो ये सारा गिवन डेटा है. आपको फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट 4 थिंग्स. नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी. Number 2, potential energy. Number 3, total energy. Number 4, binding energy. Right? Now, interestingly, it is so simple. Agar aapko formulas acche se yaad honge, to you will see ki doing one calculation will give you all other answers. Number 1, kinetic energy. अगर याद होगा तो ये था हाफ जी एम एम बाय आर. नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो वी सी इज जी एम बाय आर. तो ठीक है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, जो याद है उससे करेंगे. नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाय आर. नाउ वंस आई टोल्ड यू कि पोटेंशियल और काइनेटिक रिलेटेड, तो ये जो पार्ट है
दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या फिर मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टू. मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो यू कैन से दैट, या फिर आपको लिखना है तो आप इसको इसी को मॉडिफाई कर सकते थे. आप बोल सकते थे कोई बात नहीं, हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. हाँ, तो ये क्या है? काइनेटिक. हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, गुड. उसके बाद टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और हमने ऑलरेडी देखा था वो था माइनस जी एम एम बाय टू आर. इन दोनों को सिर्फ एड तो करना था. हाफ में से वन माइनस हो गया कि नहीं? ये हाफ है, बाकी माइनस वन है, तो कितना बचेगा? माइनस हाफ. ओ, लेकिन ये तो काइनेटिक ही है, मतलब टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, करेक्ट? लास्ट बाइंडिंग, बट बाइंडिंग तो माइनस ऑफ टोटल होता है. बाइंडिंग तो माइनस ऑफ टोटल होता है, राइट? प्लस ऑफ काइनेटिक, मतलब बाइंडिंग इक्वल टू काइनेटिक. बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस. अगर ये तुम्हें याद रह गया तो जेई नीट में यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ओरली. गुड. तो याद रखना ही कुछ नहीं है, क्या याद रखना है? नथिंग. क्या याद रखना है तुम्हें? सिर्फ इतना याद रखना है कि पोटेंशियल इज माइनस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक, टोटल इज माइनस काइनेटिक, बाइंडिंग इज इक्वल टू काइनेटिक. डन. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट डाउन. अब एक ही कैलकुलेशन में सब कुछ मिल जाएगा. तो वन कैलकुलेशन, और वो भी कितना सिंपल है, कितना सिंपल हो सकता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ जी 6.67 इंटू 10^-11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6×10^24, और वो 2000 था. ओके, तो वो 2000, हम लोग 2000 लिखेंगे यहाँ पे. 2 × 1000 मतलब 2 × 1000. यस, 2000 इज 2 × 1000. मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये 2 × 1000 हो गया, और डिवाइडेड बाय इधर ही करके रख देंगे. स्मॉल आर इज आर प्लस एच, 3664 10,000 मतलब 10^4 ना, 10,000 किलोमीटर, 10^4 और 1000 किलोमीटर का 10^7 meter. वेरी गुड, 10^7 meter. अब वन थिंग दैट यू कैन डू इज, नहीं नहीं, टोटो को नहीं कैंसिल करना, देयर इज रीजन बिहाइंड इट. वन और थ्री करना, क्योंकि 6.67 इंटू 3 इज रफली 20, अप्रोक्सीमेटली 20 है वो. हाँ, तो ये 6.67 इंटू 3 20 और 2 40, बाकी तो पावर का एडजस्टमेंट होगा. 10^-11 और ये 27 11 27 में से 11 के 16 ये ऊपर आएगा तो -7 कितना हो गया? 10^9 जूल, राइट? लुक 40 × 10^9 हमने अप्रोक्सीमेटली किया, तो ये इसलिए 40 आया. हमारा एंगल क्या है? 40.09, करेक्ट. अब ये मिल गया तो काम हो गया, ये मिल गया तो बाकी सब भी आ गया. पोटेंशियल इज -2 × काइनेटिक, मतलब ये आएगा -80 × 10^9 जूल. -80, हाँ, ये डबल करना भूल गए वो लोग. 80.18. ओके, हाँ, तो वो आई कैन नॉट टेल यू, आई मीन आई डू नॉट रियली रेफर दैट आंसर्स. देन टोटल इज नेगेटिव काइनेटिक, तो टोटल इज नेगेटिव काइनेटिक -40.09, एंड बाइंडिंग इज प्लस काइनेटिक, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी.
हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2 RE अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज 6×10^24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू भी दी है। तो ऑफकोर्स वॉट इज गिवन टू यू इज, आपको बोला है हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ कितना है, 2 times of RE। तो आपको पता है स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर प्लस एच, और कैपिटल आर इज ऑलरेडी रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 2 times of radius of earth मतलब टोटल 3 times of radius of earth, तो स्मॉल आर विल बी 3 times of radius of earth। बाकी जो गिवन है वो मैं वापस यहां नहीं लिख रहा हूं। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इफ यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है ये। हाँ, तो ये स्मॉल एम नहीं होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, गुड। तो देन यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज हियर, यू नीड टू पुट वैल्यूज। So you will have B equal to minus G. G is 6.67×10^-11. Mass kiska? Earth ka mass. Kitna? 6×10^24. R kitna aya? 3R. 3R na? 3×RE. Correct? 3RE na? So, haan, 3RE. What is RE? What is RE? 6400 × 10^5, राइट। हाँ, वो हमने किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो वैसा ठीक है। अब सॉल्व करो, ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। तो यहाँ बोल सकते हो 32, दिस इज 3, दिस इज 20, ऊपर ये 20 है, पर एनीवेज नीचे वापस फैक्टर्स आएंगे। तो अब आई विल मेक इट सिंपल, No, wait a minute. I don't want to cancel it. Have patience. You see, 32×3, 33×3, 99. Roughly, 100 मान लो। नीचे 100 ले लो ना, इधर से 100. 100, ठीक है, roughly, approximately, 100. 100 और ये 10^5. बराबर, 10 power, और ऊपर जो 6, कितना 20, ये कितना आया 10^7, 32×3, 96 होता है, मैं 100 मान रहा हूं, और ये 5, 7, 10^7 ऊपर जाएगा, -7, -11, -7, -18 और 24, +6 ना माइनस कैसे हो गया, कहां, गुड। तो ये कितना गया 2×10^7, बराबर ना, हाँ है क्या, यस करेक्ट, बट वेट अ मिनट, यूनिट गलत है, पोटेंशियल एनर्जी जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी जूल होता है, विच इज जी एम एम बाय आर विद अ नेगेटिव साइन। इस मास को यहां से हटाया है तो कहां ले गए, इधर ले गए, तो जूल पर केजी, वेरी गुड। तो ये यूनिट गलत दिया है, इट इज जूल पर केजी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अर्थ वेयर मेड ऑफ वुड, द मास ऑफ वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट इज नाउ, कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोला है अगर अर्थ वुड का बना होता तो मास ऑफ वुडन अर्थ इट इज 10% ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल अर्थ, तो मास ऑफ वुडन अर्थ 10% × 10/100, 0 0 गया और ये m आ गया, मतलब मास ऑफ वुडन अर्थ अपॉन मास ऑफ ओरिजिनल अर्थ इज 1/10,
और ऊपर से बोला है विदाउट चेंज इन डायामीटर, डायामीटर इज नॉट चेंजिंग, मतलब रेडियस इज नॉट चेंजिंग, ओके, क्योंकि डायामीटर इज जस्ट ट्वाइस रेडियस, तो रेडियस ऑफ वुडन अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ओरिजिनल वन, ओके। अब कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ, दिस मतलब वुडन अर्थ, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, यू आर सपोज टू फाइंड आउट एस्केप वेलोसिटी वी ई, कहां से, वुडन अर्थ से। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आपको पता ही है कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ जी एम बाय कैपिटल आर, क्योंकि फ्रॉम द सर्फेस बोला है तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब इंटरेस्टिंगली जी कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, हाँ, तो फिर एस्केप वेलोसिटी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, वेरी गुड। तो आप बोलोगे एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम वुडन अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ओरिजिनल वन इज अंडर रूट ऑफ मास ऑफ वुडन अर्थ अपॉन मास ऑफ ओरिजिनल, ये तो 1/10 था, गुड। आंसर 3.54 के आसपास आएगा, कैसे, तो ये 1/10 मतलब 1/√10, और ये VE याद है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मैंने अभी अभी बताया था 3.16, तो ये आता ही है एग्जैक्टली 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, देयर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन आर 1 hour एंड 8 hours रिस्पेक्टिवली। तो इन दिस केस आपके पास एक नहीं दो सैटेलाइट्स है विच आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, अराउंड अ प्लैनेट, यू हैव टू सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, दिस इज वन एंड लेट्स से दिस इज अनदर सैटेलाइट, ओके। एक का पीरियड है 1 hour, एक का पीरियड है 8 hour, ओके। सो गिवन टू यू इज टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट इज 1 hour and time period of second is 8 hours. The radius of orbit of satellite B, जो satellite B है, उसका set, उसका जो orbit है RB, that is radius of orbit is 4×10^4 kilometer. And you are supposed to find what is radius of orbit of satellite A. तो RA find करना है, बहुत simple सा question है, क्योंकि हमने इन द लास्ट लेक्चर ओनली, इफ यू रिमेम्बर, हमने पिछले ही लेक्चर में टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम और बाहर था 2π, याद होगा टी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम, ये याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये तो याद होगा ही, टी स्क्वायर इज 4π स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब, अगर ये याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये तो याद होगा ही, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस क्यूब, इतना याद होना बहुत है, सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। और ये भी नहीं याद होगा तो केपलर थर्ड लॉ याद होगा, हाँ तो फिर वही है ये, गुड। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ पे सर्कल है तो कोई सेमी मेजर नहीं होता, रेडियस होता है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दिस इज व्हाट इज फॉर्मूला एंड सॉल्यूशन में आपको क्या फाइंड करना है, किसका रेडियस फाइंड करना है आपको, ए का, तो फिर टी ए बाय टी बी का स्क्वायर इक्वल टू आर ए बाय आर बी का क्यूब। नॉर्मली क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे रेशो लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने आर को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि जब रेशो लेते हो तो 1 hour अपॉन 8 hour, आर और आर कैंसल, तो दैट इज वाई वी डिड नॉट चेंज, did not change what unit, so 1/8 square RA to find karna hai, RB hai 4×10^4 ka square, right, square na, cube, very good, cube, sahi hai, pakka, good, lock kar de, yes, 1/64, right, correct, kyunki 8/64, अब मुझे फाइंड करना था आर ए, लेकिन यहाँ पे है क्यूब, तो क्या लेंगे, क्यूब रूट, तो लेंगे क्यूब का रूट इक्वल टू आर ए
अपॉन 4 × 10⁴। यहाँ पे वापस से 3 मत लिख देना क्योंकि आपने क्यूब रूट ले लिया, राइट। तो 64 का क्यूब रूट बताए 4, वेरी गुड। तो 1/4 इक्वल टू आर ए अपॉन 4 × 10⁴, 4 और 4 गया, तो आर ए इज 10⁴ किलोमीटर। तो आ गया आपके पास आंसर 10⁴ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैज मास 6.4 × 10⁴ किलोग्राम। हमारे प्लैनेट से ज्यादा मास है, हमारे प्लैनेट का कितना होता है 6 × 10⁴। इन रियलिटी 5.8 × 10⁴, ठीक है। एंड रेडियस 3.4 × 10⁵। साइज में छोटा है, हमारे प्लैनेट का रेडियस है 6.4, ओके, × 10⁵ मीटर, और इसका है 3.4, मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा, ओके। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 kg फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दिस प्लैनेट टू इंफिनिटी, ओके। देन अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि इस केस में आपको पता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लैनेट, हमने इसको नाम दिया था बाइंडिंग एनर्जी, याद है क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस प्लैनेट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। पर इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये वर्ड्स अगर आप देखोगे तो व्हाट दे आर सेइंग इज कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 kg फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, मतलब ये प्लैनेट पे रेस्ट पे था, राइट। तो इसका मतलब इसके पास कौन सा एनर्जी था, ओनली पोटेंशियल। तो बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग इज नेगेटिव ऑफ टोटल, बट टोटल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल, मतलब इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालो, साथ में माइनस साइन लगा दो, डन, ओके। सो गिवन टू अस इज, व्हाट इज गिवन टू अस, मास ऑफ द प्लैनेट 6.4 × 10⁴ किलोग्राम, रेडियस ऑफ द प्लैनेट 3.4 × 10⁶ मीटर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 800 किलोग्राम। यू आर सपोज टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी, बट बाइंडिंग एनर्जी इन दिस केस, इन एवरी केस, नॉट ओनली इन दिस केस, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, बट टोटल एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। आगे बता देना सेंस, यस, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ओके। तो अब आपको ये पता तो है ही कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म्यूला माइनस जी एम एम बाय आर, पता है ना। और यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, अर्थ की सरफेस पे, और मतलब प्लैनेट की सरफेस पे, राइट। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, देयरफॉर आपके पास फॉर्मूला है सीधा सीधा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। जी की वैल्यू नहीं बताई तो हमको पता होनी चाहिए 6.67 × 10⁻¹, मास 6.4 × 10⁴, और ये 800 है तो 8 × 100 है अपॉन 3.4 × 10⁶। अब यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, बट वेट अ मिनट, वी कैन मेक इट लिटिल सिंपल, थोड़ा करते हैं, वी विल ट्राई इट आउट रफली, हाँ, 1 × 2 अप्रोक्सीमेट, ये 6.7 नीचे 3.4 है, तो ये 2 आ गया रफली, ओके। ये 6.5 ले लेता अगर, तो 6.5 × 2 13 × 8 = 104, ओके। तो 104, अब पावर एडजस्ट कर लो, ये 26, ये ऊपर जाएगा तो -6, मतलब 20 में से 11 गया 9, तो 104 × 10⁹, करेक्ट, क्लियर। अब इफ यू वांट, बराबर ना 9, एक बार वेरीफाई कर लो, दिस इज 26 पक्का ना, राइट, हाँ।
और ये ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब 20 और माइनस मतलब 9, करेक्ट। तो आंसर दे, ओ रुक, वी आर वेरी नियर, हमारा 104 आया, यहाँ पे 1.004 आया, सिर्फ एक छोटा सा जो गलती दिख रहा है, इन्होंने गलत जगह पे पॉइंट लगा दिया। कैसे? यू हैव 104, मुझे अगर इसको 10^10 लिखना है, हाँ तो मैं क्या लिखूंगा, 10.4 × 10, राइट, × 10^9, सिर्फ 104 को 10.4 × 10 लिख लिया, 104 को 10.4 × 10 लिख लिया, करेक्ट, कर सकते हैं ना ऐसा, करेक्ट। तो ये 10 और ये 10^9, 10^10, तो आंसर क्या आना चाहिए था, 10.4 × 10^10 जूल, इनका क्या आया 1. मतलब गलत है, ये सही नहीं है, तो दिस इज टू बी, इट शुड बी 10.04, क्लियर, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।